इंदौर स्थित आरटीओ कार्यालय में दलालों और एवजियों का अड्डा बन गया है, जिसे लेकर जिम्मेदार महज मामले को टरकाते नजर आए हैं। आज हम फिर से एक बड़ा खुलासा कर ये बता रहे हैं कि आरटीओ कार्यालय पर दलालों और एवजियों की चांदी है। अब सवाल ही उठ रहे हैं कि जिम्मेदार क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कार्यवाही करते हैं। दरअसल इंदौर में हमारी पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ, इसके बावजूद जिम्मेदार मौन है, जो अब जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के लिए काफी है। बता दें कि आरटीओ में आज वो अपराधी वापस ग्रेड 3 के अफसरों की कुर्सियों पर मजबा लगाए हुए थे, जो कुछ समय पहले लोगों को फर्जी मार्कशीट के आधार पर लाइसेंस और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में जेल तक जा चुके हैं। अब जेल से छूटने के बाद एक बार फिर वो उठ चंदा वही धंधा की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 14 ऐसे एफजी थे जो फर्जी मार्कशीट सहित अन्य दस्तावेज तैयार करवाकर लोगों को फर्जी लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज मुहैया कराते थे। आज जब हम आरटीओ के अलग अलग दफ्तरों में पहुंचे थे, कैमरा देखकर एफजी भाग खड़े हुए और जिन कुर्सियों पर वो बैठे थे उनको असली हकदारों से जब बात की गई तो वो मामला टालते नजर आए। वहीं जब बड़े अधिकारियों से इस मामले में जानकारी ली गई तो वो माकूल जवाब देने से बचते नजर आए। फिलहाल आरटीओ में अपराधियों का अड्डा बन चुका है और जो मनमर्जी करते हैं, लेकिन जिम्मेदार मौन है, जिसका मतलब साफ है कि इस मामले में जिम्मेदारों का भी कोई बड़ा फायदा होगा जो उन्हें एक्शन लेने से रोक। प्रकाशन जी, आप ही हो अधिकारी? अभी थोड़ी देर पहले दो लोग बैठे हुए थे, आप जानते हैं उनको? नहीं, हमारे पास फुटेज है उसके। दो लोग जो बैठे हुए थे यहाँ पर अभी, इसके आपके आने के जस्ट पहले अभी उठ के गए यहाँ से, पूरा ऑफिस का कार्य वो संभाल रहे थे। आप लोग, आप नहीं जानते उनको? नहीं, जानकारी नहीं है मुझे। कौन था? आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं, अभी ये बताइए आप क्या काम था आपको? मीडिया से हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ जो दो लोग बैठे हुए थे उनका क्या कार्य यहाँ पे? तो कार्ड वगैरह आपकी गैर मौजूदगी में बैठे हुए थे वो? ऐसा तो कोई नहीं रहता। नहीं, हमारे पास फुटेज है उसके यहाँ की। ऑफिशियल लोग रहते हैं तो? नहीं, ऑफिशियल तो लग नहीं रहे। एक फर्जी मार्कशीट कांड में आरोपी एक पूर्व, यहाँ पे जो लाइसेंस बनवा फर्जी मार्कशीट कांड में जो पकड़ा था आरोपी, वो आरोपी बैठा हुआ था आपकी कुर्सी पे। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं अभी आप? नहीं, ऑफिशियल आदमी कब से हो गया सर? एक फर्जी मार्कशीट कांड में आरोपी है, वो आपकी चेयर पे बैठा हुआ है। ऑफिशियल आदमी कब से हो गया? जानकारी। आपका शुभ नाम सर? प्रकाश। क्यों भैया, प्रकाश जी नहीं है, आप कौन होंगे? नहीं तो अधिकारी की जगह आप बैठे हो, आप कौन? नहीं, मैं कहाँ बैठा अधिकारी की जगह? हमारे पास तो फुटेज है यार इसके।